राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? हमारे दिल से खेलोगे तुम? हमारे दिल से? किसी ने कभी ये जुर्रत नहीं की दूसरों के दिलों के साथ खेलने की। ताकत सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी की। होश से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खेल जो उसने शुरू किया है, इसे हम आगे खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। और जीत ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रूह तक कांप उठे। इस क्षेत्र में सेना की छावनी होगी और उधर हथियारों का इंतजाम होगा। वल्लाह हुजूर, ये सब देखकर तो हम आपको एक ही राय देंगे कि हमें जल्द से जल्द नोगढ़ पर हमला कर देना चाहिए। कमबख्त, इसी रास्ते से। नहीं 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 क्रूर सिंह, ये रास्ता नौगढ़ का सबसे शक्तिशाली रास्ता है, मुख्य रास्ता। यहाँ से अंदर जाना मुनासिब नहीं है। हम क्या कर सकते हैं फिर? एक कमजोर कड़ी है इस महल में और हम उसी कमजोर कड़ी के जरिए इसके अंदर प्रवेश करेंगे। पर हुजूर, एक बात हमें ये नहीं समझ आ रही कि आप ये सब कुछ मालूम कैसे चला? कैसे? क्रूर सिंह, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। क्या याद दिलाएं? भूल रहे हैं। वल्ला युवराज तो यहाँ पले बड़े हैं। किसी जमाने में ये नौगढ़ आपका हुआ करता था। आपको यकीन है कि इस कमजोर कड़ी के द्वारा हम जीत हासिल कर सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सामने से चुनारगढ़ की सेना मोर्चा लेगी, जिसमें नौगढ़ के सभी सैनिक उलझ जाएंगे और हम उसी मौके का फायदा उठाकर अपनी आदिवासी सेना को महल के अंदर भेज देंगे, जिससे वो सब पर काबू पा लेंगे। कुछ ही घंटों में नौगढ़ चारों खाने चिप्स और फिर वो अय्यारों का यार तेज सिंह, जब तक नींद से जागेगा तब तक तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी। क्या योजना है स्वामी? पर हुजूर, एक सवाल था आपसे। हम ये नहीं समझ पाए कि वो जादुई छड़ी आप तक पहुंची कैसे? क्रोर सिंह, ये छड़ी जादुई शक्ति वाली छड़ी नहीं है, ये नकली है, बस दिखती वैसे है। लेकिन ये बात वो आदमखोर आदिवासी कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अल्लाह, पर आपने ये जोखिम उठाया क्यों? अगर वो आपको पहचान लेते तो? कुछ नहीं होता हमें श्यामला, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम वो तिलस्म हासिल करके रहेंगे। तुम मानो या ना मानो, इस बार जीत हमारी होगी। हमारी होगी, और उस वीरेंद्र सिंह को हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। और उसी विश्वास के चलते हम इस झड़ी के बल पर उन आदिवासियों को अपना गुलाम बनाकर यहाँ ले आए। हुजूर, एक सवाल है। हुजूर, अगर उन आदमखोरों को ये पता चल गया है कि जो छड़ी है ये असली नहीं नकली है, तो हमें मार देंगे क्या? नहीं ना सेम, इस बात का पता उन आदमखोर आदिवासियों को कभी भी नहीं चलेगा। हमें यहां बुलाने की वजह? वजह जरूरी है। हमने तुम्हें जब से देखा है बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। आंखें खुली हो या बंद, हर जगह बस तुम ही तुम दिखते हो। पहले कभी भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
पहले किसी ने भी हमें ऐसे प्रभावित नहीं किया। तुम इन लोगों की फिक्र कर रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि हम ये सब सबके सामने क्यों बोल रहे हैं। दरअसल हमारे महल में एक जासूस पकड़ा गया और हमें उसकी सजा का फैसला भी करना है, और इसी कारण ये लोग यहाँ पे एकत्र हुए। इसीलिए हम जो भी कहेंगे सबके सामने कहेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको जो भी कहना है आप खुलकर कहिए, ये पहेलियां मत बुझाइए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन मेहरबानी तुम्हारी हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय लिया। कैसा निर्णय है? हमने अपना दिल निकाल के तुम्हारे सामने रख दिया, पर तुमने तो कबूल ही नहीं किया। तुमने ये कहा कि किसी को पूरी तरह से कबूल करने से पहले उससे शादी करनी पड़ती। तो ठीक है, आज हम ये सबके सामने ऐलान करते हैं कि हम तुमसे विवाह करेंगे। क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गए? तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने ही कहा था ना कि शादी के बिना तुम हमें कबूल नहीं करोगे। एक अच्छे मर्द की यही तो निशानी है कि शादी के बिना वो किसी भी औरत के करीब नहीं आता। हम वो अब रुक जाओ, इससे पहले कि तुम कुछ कहो हमें उस गुप्तचर के बारे में निर्णय लेना है, उसके बाद हम निश्चिंत होकर तुमसे विवाह के बारे में बात करेंगे। गुप्तचर को हमारे सामने पेश किया जाए। पहेलियां ही पहेलियां है, इन्हीं पहेलियों से तो हमें इस किताब का राज जानना है। हमें तो लगता है महारानी जी, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इनमें से एक भी पहेली हमारे समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये पहेलियां हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ वीरेंद्र के लिए, जिसे तिलिस्म खोलने के लिए चुना हुआ है, वही इन पहेलियों का राज जान सकता है और कोई नहीं। तुम्हारे राज्य में जासूसों को क्या सजा मिलती है? वो मौत की सजा है ना? हमारे राज्य में भी जासूसों को मौत की सजा ही मिलती है, बड़ी आसानी से सिर को धर से अलग कर देने की सजा। एक और जरूरी बात, क्योंकि हमने तुमसे विवाह का निर्णय ले लिया है, तो अभी से तुम इस राज के महाराजा हो, और इसीलिए हम ये चाहते हैं इसे सजा देने का गौरव तुम्हें ही प्राप्त हो। दिखा दो हमारी प्रजा को कि उनका नया राजा कितना ताकतवर है।
इंतजार किस बात का? आगे बढ़ो, अलग कर दो इसका सर इसके धड़ से। लगता है तुमने कभी किसी को ऐसे सजा नहीं दी। कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से ये फर्ज हम निभा देते हैं। दरअसल बात यह है कि आपने हमसे विवाह करने का फैसला सुना दिया, पर हमारी जवाब के लिए रुकी नहीं। ठीक है, आज हम इन सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमें आपसे विवाह करना मंजूर है, लेकिन अब देखिए ना, विवाह जो है खुशी का माहौल होता है, ऐसे में खून खराबा, हम बस ये चाहते हैं कि आप इस गुप्चर को रिहा कर दें। जाने दीजिए इसे। तुम्हें क्या लगता है? मतलब तुम हमसे झूठ बोलोगे और हम उसे सच मान लेंगे? तुम्हारी नियत हमें पता चल चुकी है। तुम पहले हमें प्यार में फंसाना चाहते थे और उसके बाद हमारा दिल तोड़ने का इरादा था, है ना? हमने तुम्हारी हर एक बात सुन ली, हमें तुम्हारा हर एक इरादा पता चल चुका है। सही कहते थे, मुख्य द्वार से जाना तो खतरे से खाली नहीं होगा। चारों तरफ सैनिकों का पहरा लगा है, वहां से आक्रमण करने का मतलब है कि मौत के घाट उतरना। तो करना क्या है? करना करोड़ सिंह, तुम मुख्य द्वार पर सेना को संभालोगे। आप मतलब हम यहाँ क्या करेंगे? अगर हमारी मानी तो पीछे के द्वार पर जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से आक्रमण करना अच्छा रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पीछे के द्वार पर चले जाते हैं। ठीक है हुजूर। हमारी जरूरत यहाँ ज्यादा है करोड़ सिंह, तुम यहाँ रहकर सेना का ध्यान भटकाओगे। वो तुम्हें पहचानते हैं, उन्हें लगेगा कि तुम उनके दुश्मन हो और तुम पर आक्रमण करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देंगे। हुजूर आप गलत बिल्कुल नहीं है, पर इस काम के लिए हम, हुजूर ये काम तो हमारा नाजिम भी संभाल लेगा। क्यों नाजिम, इसे भी सब जानते हैं हुजूर। तुम्हें ही यहीं रहना होगा करोड़ सिंह, हम कह रहे हैं ना ये काम तुम्हें ही करना है करोड़ सिंह, अब वक्त जाया मत करो। हुजूर आप एक बार देख लीजिए, हम आपसे जो कह रहे हैं वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जाओ करोड़ सिंह, हम सब पहले महल के पीछे जाएंगे और फिर चोर दरवाजे से महल के अंदर घुसेंगे। ये काम एकदम चुपचाप होगा और उसके बाद हम महल पर धाबा बोल देंगे। करोड़ सिंह पूरा दमखम लगा के लड़ना। वल्ला दमखम के साथ। डरना मत, यही समय है तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने का, अपना बल दिखाने का। सेना का पूरा ध्यान भटका देना करोड़ सिंह,
उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे और कुछ भी समझ में ना आए। हुजूर, क्रूर सिंह नाम है हमारा, बात से चौकन्ने और सांप से ज्यादा बुद्धिमान। अब चिंता मत कीजिए, जो कहा वो करो। यलगार हो, यलगार हो। हुजूर, वहां चलिए, देखिए जरा क्या हो गया। मैं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। महल के सारे दरवाजे बंद कर दो और तो और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेज दो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बुद्धिमता से काम लेना होगा। आगे बढ़ो, बढ़ो, एक एक दुश्मन को मौत के घाट उतार देना है। आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप तो सेनापति है ना, सबसे आगे तो आपको होना चाहिए। अच्छा, कमबख्तों, कभी तो अकल की बात किया करो। तिलिस्म का क्या करेंगे अगर जान ही नहीं बचेगी तो, समझे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आक्रमण। ये वही किताब है जिसमें वीरेंद्र के बारे में लिखा है कि वही तिलिस्म खोलने के लिए चुना हुआ है, और इसमें ये भी लिखा है। महारानी जी, चुनारगढ़ ने हम पे हमला कर दिया। हमें अंदाजा तो था कि शिवदत्त कुछ करेगा, पर इतनी जल्दी हमला कर देगा ऐसा हमने सोचा नहीं था। महाराज, आपको किसी सुरक्षित स्थान पे लेके जाना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक यहाँ के हालात सामान्य नहीं हो जाते, आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। उस शिवदत्त की ये मचाल, आने दो से, वो एक बार फिर मुंह के खाने वाला है। महाराज, आप हमारे मेहमान है, आप युद्ध में मत उतरिए। तेज सिंह, नौगढ़ और विजयगढ़ अब एक ही परिवार है, और हमारे परिवार पर कोई हमला करे ये हमें बर्दाश्त नहीं। पर महाराज, नहीं तेज सिंह, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। जैसे आपकी इच्छा। महारानी, आपकी सुरक्षा के लिए हमने सैनिक तैनात कर दिए। हमें पूरा भरोसा है कि शिवदत्त जल्द ही हमसे परास्त हो जाएगा। आइए महाराज। रुकिए देव सिंह जी, हम भी चलेंगे आपके साथ, उनके साथ युद्ध करने में आपकी सहायता होगी। आइए। कहाँ गई तुम्हारी शक्तियां? हाँ, उठो, लड़ो हमसे। कहाँ गई तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत? क्या सोचा था हमने, और तुम क्या निकले? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? रुक जा। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि हम तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाना चाहते थे, तुम्हारे घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। क्यों? आखिर हमने ऐसा क्या किया? तुम वीरेंद्र को इसलिए सजा दे रही हो ना, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल दुखाया है। पर दिल क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज औरत हो जो किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। खामोश। क्यों नहीं सुना जा रहा ना, ये जो तुम्हारे सामने है ये हमारा प्यार है। हम जिंदगी है एक दूसरे की, हमारी शादी होने वाली थी, और उससे पहले हम यहाँ आए क्योंकि हम बावनी की मदद करना चाहते थे। बावनी? वही बावनी जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता था,
और अभी भी करता है, लेकिन तुमने उसके प्यार की कद्र नहीं की। आज बावनी की वजह से वीरेंद्र जिंदा है, हम यहाँ, इसलिए हमने ये तय किया कि हम बावनी को उसकी मोहब्बत से मिलवाएंगे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार जगाएंगे। लेकिन वो सही थे, अब हमें समझ आया कि वो हमें यहाँ क्यों नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल नाम की चीज है ही नहीं। तुम ना कभी प्यार के लायक थी और ना होगी। झूठ है ये, हमने भी उससे बहुत मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत, लेकिन श्राप के वजह से उसका चेहरा डरावना हो गया है। हमें उसके चेहरे से डर लगने लगा, हम क्या करते और क्या गलत किया हमने उसे छोड़ दिया। तो हमारी जगह पे कोई भी लड़की होती तो वो ऐसा ही करती। और प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान किसी के साथ भी रह ले। यही तो हम कह रहे हैं, तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती। तुम सिर्फ किसी से उसकी शक्ल, उसकी दौलत, उसकी शक्तियों के लिए प्यार कर सकती हो, पर उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते। अगर तुम वाकई बावनी से प्यार करती तो उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तुम ये उपदेश इसीलिए दे रही हो ना, क्योंकि तुम्हारे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। हम उपदेश नहीं दे रहे, सिर्फ सच्चाई से तुम्हारा सामना करवा रहे। अगर तुम वाकई बावनी से प्यार करती तो उसे उसके श्राप के साथ भी अपना लेती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम अपने फर्ज से मुंह मोड़कर वहां से भाग गई। हमने कहा ना, हम डरने लगे थे उसके चेहरे से। दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान हो गया था वो, और उसका दिल वो भी बदसूरत हो गया था। नहीं सुनाई दी तुम्हें उसके दिल की पुकार? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ खुदगर्जी है, किसी के लिए प्यार नहीं। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने प्यार पे, उसकी सच्चाई पे। तुम्हें ऐसा लगता है ना, तुम इसे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, हर हाल में इसके साथ रहोगी, है ना? हाँ, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। बहुत खूबसूरत है तुम्हारा प्यार, और उसका चेहरा भी, है ना? जाहिर है पहली नजर में तुम्हें इससे प्यार हो गया होगा, जैसे हमें हो गया था। पर क्या हो अगर उसका चेहरा बदसूरत हो जाए? टुकड़ी को महल में प्रवेश करने से रोकना होगा। टक्कर लेनी है, एक एक खून के कतरे से टक्कर लेंगे। सिंह जी, मुख्य द्वार पर हमला हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उनके सैनिक महल के पिछले द्वार से घुस गए हैं। जा। याद रहे,
बचना नहीं चाहिए, छोड़ना मत किसी को। चपला तुम यहां महाराज के साथ मोर्चा संभालो, मैं महल के पीछे की सुरक्षा देखता हूं। बहुत खूब, तुमने खुद को तो बचा लिया, लेकिन इससे कैसे बचाओगे? चंद्रकांता के ऊपर आग उठाई तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे, जान है वो हमारी, प्यार करते हैं हम उससे, अरे जान ले लेंगे हम, जान ले लेंगे। सिंह आओ, देखो छोड़ दो श्रद्धा, छोड़ दे महारानी जी को, यही मौका है पश्चाताप कर ले, वरना बाद में इसका भी मौका नहीं मिलेगा तुझे। अरे तेज सिंह, मौका किस चीज का मिलेगा और किस चीज का मौका नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। वक्त नहीं महाराज जय सिंह, महाराज जय सिंह भी, अरे वो भी हमारे कब्जे में है। फिलहाल तो तेज सिंह तुम अपनी ये तलवार और अय्यारी की अंगूठी नीचे फेंको। अरे फेंक दो, वरना तुम्हारी गलती की सजा नौगढ़ की महारानी को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ेगी। फेंको। Bye.
का तेज सिंह कैसे नौगढ़ रेत के टीले की तरह ढह गया है। कोई भी नहीं है जो हमारा सामना कर सके। सिंह, आज पहली बार तुमने हमें खुश कर दिया। बहुत उम्दा काम किया है तुमने। हुजूर, एक हम वक्त ये वीरेंद्र सिंह का दायां हाथ है, इसे मारना बहुत जरूरी था। इसे कारागार में बंद कर दो, ऐसे कारागार में डालना जहां हवा मिले और ना ही पीने को पानी। तड़प तड़प कर मरे ये कमबख्त। कमबख्त, ले जाओ इसे। वीरेंद्र सिंह हमारे कब्जे में होगा। और वो तिलिस्म भी हमारे कब्जे में होगा। वल्ला। देख ली प्यार की ताकत, क्या और भी देख ली है? तुम खुद नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। पहले तुमने बावनी को छोड़ दिया और आज तुम वो इकलौता इंसान जो बावनी को श्राप मुक्त कर सकता है उसे मारने चली थी। बावनी के श्राप का इलाज सिर्फ तिलिस्म में है, जिसे केवल एक इंसान खोल सकता है, और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी, और वो इंसान ये है, वीरेंद्र सिंह। तुम्हें बावनी बदसूरत लगता है ना? हमें लगता है कि तुमसे ज्यादा बदसूरत इंसान हमने कभी नहीं देखा। आपने ठीक कहा था, ये प्यार के काबिल नहीं। अब आपका इससे कोई वास्ता नहीं, पर आप ठीक होंगे अपने लिए। फिर इन तिलिस्म को खोलेगा और आपको श्राप मुक्त करेगा। रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। हम इतने बुरे इंसान नहीं हैं। कोई है जिसने हमसे ये सब कुछ करवाया है? ये कोई नई चाल है तुम्हारी? नहीं, हमें किसी ने मजबूर किया था। हम अपनी मर्जी से इनको छोड़ के नहीं गए थे। ये क्या कह रही हो तुम? हम तो आज भी इनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हमारा प्यार इनके लिए कभी नहीं बदला। और इसका सबूत है बावनी और हमारा बेटा। बच्चा, जिस दिन आप आखिरी विद्या सीखने निकल गए उसी दिन हमें पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे,
लेकिन आपको लौटने में बहुत वक्त लग गया, और आप जब लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। हम मां बन चुके थे और हमारा बेटा हमसे दूर जा चुका था। कोई ले गया था उसे हमसे छीन कर, और हमारी बेटी की खातिर हमें वही करना पड़ा जो उसने कहा। पर आपने समझा कि हमने आपको श्राप के लिए छोड़ दिया है। पर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम अपने प्यार के लिए हमारे बेटे की जान कैसे खतरे में डाल सकते थे? उसने हमसे कहा था कि अगर हमने कुछ भी बताया आपको तो वो हमारे बेटे की जान ले लेंगे। इसी कारण हमने आपसे दूरी बना ली। पर वो बच्चे, वो आदमी जिन्हें तुमने... हमने किसी भी बच्चे और आदमी को नहीं मारा, वो तो हमारा माया जाल था। वो लोग महल में सुरक्षित हैं। एक बात बताइए, जो शख्स आपके बेटे को उठाकर ले गया कौन था? हम उसे नहीं पहचानते, लेकिन जाते समय उन्होंने कहा था कि एक दिन वो आएगा जिसे तिलस खोलने के लिए चुना गया, उसे हमें वही पे भेजना होगा जहाँ पे तिलस्म है। पर हम उस तिलस्म तक पहुंचेंगे कैसे? उसने कहा था कि आपको कलकिया पर्वत पर भेजना है, और जब तक आप वहां पे नहीं पहुंचेंगे वो हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। कलकिया? आप घबराइए नहीं, हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम मिलवाएंगे उसे आपसे। तुम यही हमारा इंतजार करो, हम अपने बच्चे को लेकर जल्द वापस आएंगे। क्यों गए? हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते, बेहतर होगा आप यहाँ से लौट जाएं। जान का खतरा हम आपको अकेले नहीं लेने देंगे। बहुत जिद्दी हैं आप। ये जिद प्यार की है, साथ जीने और मरने की। हम ना जाने आपके सामने हार क्यों जाते हैं चंद्रकांता। ठीक है, जैसा आप चाहें, हम दोनों मिलकर इस तिलिस्म की गुत्थी को सुलझा लेंगे, इस पहेली को सुलझा लेंगे। आइए। क्या पर्वत तो आ गया, अब इसके आगे हमें उस मंदिर तक जाना होगा। लेकिन इसके आगे अब हमें पैदल जाना होगा। ठीक है, भी नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है?
मंदिर से आगे जाने का रास्ता हमें भी नहीं पता। हम बहुत थक गए। हम भी मुंह हाथ धो लें, आगे के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ क्या लिखा है देखो। पे बने इस चेहरे को देखा, इस तरह चेहरा तो नहीं करेंगे। नहीं, तोड़ दो ये तिलिस्म वीरेंद्र और बचा लो।